गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस उठी हूँ, ब्रेड बटर खाया है एंड आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। बाय बिकॉज मामा के, अभी जब मामा हमारे घर आए हुए थे, नानी मामा, तो मामा के टेस्ट हुए थे, इको हुआ था, ECG हुआ था आई गेस। तो वो उसकी रिपोर्ट्स आज डॉक्टर को दिखानी है। तो कंचन मासी और मैं जा रहे हैं, हमें आज 2 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। 2 बजे हमें गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचना है। तो मतलब मैं 1 बजे के करीब निकलूँ, मतलब 12:45 के करीब निकलूंगी। तो मैंने कहा फटाफट उठकर सबसे पहले तो मैं वीडियो एडिट करूँ। रात को इतनी मुझे क्या हो रहा है, मैंने रात को रोज 11 बजे बिल्कुल नींद आ जाती है, तो वीडियो एडिट करना नहीं चाहता। अब उठकर मैंने कहा सबसे पहले वीडियो एडिट करती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, नहा धोकर फिर निकलती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना। तो टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो बस अब मैं जल्दी से सारा अपना जो भी काम वाम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। बस अभी रेडी हुई थी जाने के लिए, तो इतने में मुझे आया पार्सल। बस मैंने भी ओपन ही किया तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो पार्सल आया है मुझे बेलोरा पेरिस से। तो इन्होंने मुझे भेजे है ये अपने ट्रेवल साइज के मिनी परफ्यूम्स। तो ये 4 परफ्यूम्स की बॉटल है। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी है, मतलब इसको तो मैं अपने स्लिंग बैग में भी इजिली कैरी कर सकती हूँ। और इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये ग्रीन कलर है, ब्लू है, ये रेड है, पिंक है। पिंक कलर मुझे बहुत, मेरा मतलब फेवरेट, आप लोगों को पता ही है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही फ्रूटी सी इसकी फ्रेग्रेंस है। तो ये है 10 ml के। तो इन्होंने मुझे 4 बॉटल्स भेजी है, मतलब 40 ml। और इसका जो प्राइस है वो है 699 rupees का। तो 699 rupees में 4 बॉटल्स मिल रही है, 4 अलग अलग फ्रेग्रेंस मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। तो आज मैं सोच रही जाते जाते ये अपना पिंक वाला यूज ही कर लेती हूँ। ऐसे है ये, इसकी पैकेजिंग ऐसे आ रखी है, बिलोरा पेरिस की है। तो इसका जो प्राइस है वो है 699 rupees में ये 4 परफ्यूम सेट मिल रहे हैं इनके। तो ये सारा उनका बेस नोट, टॉप नोट सब बता रखा है कौन कौन सा है। तो काफ़ी अच्छे वेनीला ऑर्किड, ये डी बॉम्ब में है। तो देखती हूँ डी बॉम्ब वाला कौन सा है। डी बॉम्ब ये ना, पिंक वाला, पिंक इज माय फेवरेट कलर। मैं तो हो गई हूँ रेडी, बस अब जल्दी से जाती हूँ नानी घर के लिए। मासी तो निकल ही गए, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो बस अब जल्दी से जाती हूँ, फिर आप लोगों को जो भी हॉस्पिटल में, वैसे तो मैंने रिपोर्ट देखी थी, मामा की रिपोर्ट सही आई है, बट फिर भी डॉक्टर देखेंगे तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो जैसा भी होता है आपको मैं अपडेट करती हूँ। बस अभी हॉस्पिटल के लिए निकली है, आज हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा लेट। तो नानी घर से बस बैग रखा और निकले हैं कि फटाफट बस टाइम से पहुँचे, बिकॉज 2 बजे के अपॉइंटमेंट के मैं ऑलरेडी लेट थी। तो मामा मासी सब बैठे हैं, बस हम जल्दी से पहुँचते हैं। अभी बस हॉस्पिटल से निकले, निकलते निकलते 4 बज गए, बस ऑटो वाला पकड़ रहे हैं। इधर तो ऑटो वाले भी अभी कोई नहीं है, मासी और मामा आगे आ गए। अरे नानी अच्छा आज आए और वहीं पे इतना टाइम लग गया। वो तो है। हाँ चलो अब हम निकलते हैं, टाइम तो हो गया, 6 बजने वाले हैं। उधर क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बाकी वो कह रही इको तो सही है, ECG में थोड़ी मामा की हार्ट की बीट्स ना मतलब कम आ रही है, 60 आ रही है पर मिनट में ना। तो कह रहे एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दो। अच्छा हाँ, तो अब हमने अलग से देखेगा डॉक्टर ने? हाँ ये तो न्यूरो वाले डॉक्टर है ना, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है, हार्ट वाले डॉक्टर अच्छा वो अलग डॉक्टर है। मैं वही कह रही, मैं देख कभी एक को दिखा फिर दूसरे को दिखा है। हाँ तो हार्ट की तो मामा की आई रही थी ना, उसी टाइम पे भी दिक्कत आई रही थी। हाँ तो कोई नहीं, दिखाते हैं अभी, देखते हैं आगे। हाँ मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, आज पता है 2 घंटे वेट कर रहे, 4 बजे हमारा नंबर आया है, पता नहीं क्या था आज, पता नहीं डॉक्टर तो सही टाइम पे आए थे, पता नहीं बहुत रश था। त्योहार होली आने वाली है, लोग उससे पहले कई बार घर से भी नहीं निकलते, दिखाया थे, पता नहीं क्या हो रखा था, बहुत सबसे ज्यादा टाइम लगा आज ना। तो कोई नहीं, पर हो गया ना काम, तो हाँ हाँ कुछ हुआ काम हो गया। मेन मुझे रिपोर्ट की टेंशन थी वो निपट गई। हाँ वो निपट गई, सही हुआ। मम्मी एक तो ना लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आपके मामा की शादी क्यों नहीं हो रखी अभी तक। हाँ और पूछते हैं कि वो फाइनेंशियली कैसे अपना काम कर रहे हैं, क्या कौन कमा रहा है वहाँ पे, घर का काम कौन करता है, सब पूछ रहे, बताओ आप अच्छे से। अब जो मम्मी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमारे को आता है ऊपर रेंट आता है, नानी को, मम्मी को, सॉरी मम्मी को आता है रेंट, तो उनका इजिली से चल जाता है खर्चा। और दूसरा खाने पीने की बात हुई, तो खाने के क्या करता है, मेड लगा रखी है, वो खाना बना जाती है, घर का सारा काम कर जाती है। तो मम्मी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि पीछे से उठना पड़े,
या ज़्यादा घर का काम है। उससे पहले दीपू जॉब करता था, अब दीपू की जॉब वो तो अब जा ही नहीं पा रहा, आपके सामने उसकी तबीयत ऐसी है तो वो घर पे ही है। और पहले भी मम्मी को किराया आता था, उसी से मम्मी फिर अपना घर का खर्चा निकाल लेती है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, खाने की हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाने का पूरा अरेंजमेंट वो करके जाती है। जैसे नाश्ते में नाश्ते का नाश्ता बना जाती है, फिर दोपहर का बना जाती है, और रात को तीनों टाइम वो कर जाती है, इनका पूरा खाने का पूरा अरेंजमेंट कर जाती है। और झाड़ू पोछा वाले झाड़ू पोछा लगा जाती है, तो इनका और कोई काम नहीं है, मशीन है, मशीन दूसरी है तो कपड़े वैसे ही धो देती है, फुली मशीन है तो मम्मी को उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, काम की उनको कोई भी टेंशन नहीं है। बस ये होता है कि हम लोग हफ्ते में जाके जैसे एक एक दिन सब देख आते हैं कि मम्मी को भी लगता है चलो कि बच्चे आ गए हैं, मिल गया, उनका भी थोड़ा वो दिल लग जाता है हमारे लोगों से। नहीं तो दीपू और वो है आपस में ही होते हैं वो दोनों, तो कोई ना कोई एक दिन छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। जैसे पूजा हो जाती है, कभी मैं चली गई, कभी दीदी चली गई, कभी कंचन चली गई और सीमा भी चली गई, ऐसे करके चार पांच बंदे हम निकल जाते हैं अपने। जैसे जिसका दिल होता है वो हफ्ते में एक बार ही जरूर जाता है मम्मी के पास, मम्मी से मिलने के लिए। और शादी क्यों नहीं है मामा की, बताओ? तो दीपू की शादी उसने करी ही नहीं है। काफी कमेंट्स आते हैं कि आपका मामा अनमैरिड है, उसने अभी शादी नहीं करी, कोई कैसे लिखा होता कोई कैसे, पर उसने शादी करी नहीं। तो ये हमें भी लगता है कि उसने नहीं करी, हम पूछते भी थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसका कुछ की मर्जी है मामा की, नहीं लगा उसको, नहीं लगा करने का तो उसने नहीं करी। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कि जब जिसका दिल करे वो करे, अब उसकी अब तो खैर मुश्किल है, लेकिन उसने करी ही नहीं, जब टाइम था तब नहीं करी। और बोलते भी कि अब आपका मामा ठीक हो रहा है, अब आप शादी करवा दो, अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए मामा ना, अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ। जिस समय लगेगा हमें कि बिल्कुल वो ठीक है, अगर कोई मिली तो मम्मी कहती है तो देखना तो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि देखो दुख तकलीफ आते पता नहीं चलता। यही आज घर में कोई खड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो करने वाली खड़ी है, तो बाकी चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, सब काम हो रहा है तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। पर टाइम से वही मैं कहती हूँ, अगर शादी हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ। पर बाकी सबकी अपनी मर्जी है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। और ना हमें आज तक इसका रीजन पता चला है कि क्यों नहीं कर। हाँ, किसी की फोर्सफुली शादी करवा दो, खुश ना रखे मामा से। हाँ, फिर यही है ना, आजकल वो टाइम पहले जैसा नहीं रह गया कि पहले के टाइम पे जैसे हो रहा था कि टाइम से शादियां हो जाती थी। आजकल कोई भी बच्चा टाइम से शादी वादी नहीं कर रहा इतना। पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत अंतर आ चुका है, पहले की लाइफ बिल्कुल अलग थी और आजकल की जनरेशन है काफी अलग है। तो बाकी सबकी अपनी मर्जी है। आज पूजा जल्दी सो गई है तो मैंने सोचा आज की गुड नाइट मैं ही कर देती हूँ। जाने से पहले भी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।